जिंदाबाद, नीतीश कुमार कत्ती छोड़ो, मुड़ी को जेल दो, मुड़ी को जेल दो, एम्बुलेंस और को जेल दो, गरीबों को बस यहाँ पर पूजा जब जिंदाबाद। वो 32 वर्ष पुराना अपहरण के एक मामले में पटना में गिरफ्तार किए गए जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव को राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तार सुप्रीमो पप्पू यादव गुरुवार शाम सुपौल जिले के वीरपुर जिले से डीएमसीएच लाया गया ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके। आपको बता दूं उन्हें करीब शाम 7 बजे एम्बुलेंस से लाया गया। फिलहाल उसे डीएमसीएच आईसीयू में डॉक्टर यूसी झा की यूनिट में भर्ती कराया गया है। इस बात को लेकर गरीबों का मसीहा पप्पू यादव के साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी थे। आने के क्रम में पप्पू यादव ने मीडिया को बताया कि मैं लगातार कोरोना पीड़ित मरीजों की सेवा कर रहा हूं, उन तक खाना और ऑक्सीजन पहुंचा रहा हूं, इस कारण कुछ नेताओं को रास नहीं आई। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, 2 महीने पहले गोल्ड ब्लडर का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी मैं यथासंभव उन जरूरतमंदों को सहयोग देते रहा हूँ और मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक लोगों का मदद करता रहूँगा। आपको बता दूँ पप्पू यादव की ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उन्हें 2.5 महीने तक उसे आराम करने की सलाह दी थी। जेल में उनके लिए सूटेबल नहीं होने का वजह उनकी तबीयत और अधिक बिगड़ गई थी। इस वजह से उन्हें डॉक्टरों ने मेडिकल टीम का गठन कर बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया। फिलहाल पप्पू यादव को मेडिसिन विभाग के आईसीयू में डॉक्टर योशी झा के यूनिट में भर्ती किया गया है। डॉक्टर योशी झा ने बताया कि उनका रूटीन चेकअप कर लिया गया है, अभी वो क्लिनिकली नॉर्मल है, उनकी रिपोर्ट आने पर उनका उचित इलाज किया जाएगा। Yeah, yeah.